हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने हाइड ऐप्स कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप में आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने ऐप्स हाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लाइक से ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कई सारे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी, तो आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलाते हैं, ऐप लॉक, हाइड ऐप्स, प्राइवेट ऐप। तो गाइज हम अपने फ़ोन में अपनी एप्लीकेशनों को हाइड करना चाहते हैं, यानी कि अपनी एप्लीकेशन छुपाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है आपको वो डाल देना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में जो भी अपना एप्लीकेशन हाइड करना है, जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपना क्रोम हाइड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेट एसेट कोड डाल देना है, जो एच से शुरू हो और एच पे ही ख़त्म हो। इस तरीके से आप 1 4 3 1 2 3 4 डाल देंगे और एच कर देंगे और इसे यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो आप इसे डन कर देंगे और यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो भी आपको अपने फ़ोन में अपने हाइड करने हैं। तो गाइस जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपने जो से इसे हाइड करना चाहते हैं, काइन मास्टर है, और भी एप्लीकेशन है जैसे कि मैसेज, आप इन्हें हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो गाइस देख रहते हैं, पे करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करा देते हैं जो हमने एप्लीकेशन हाइड किए वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में अपने ऐप्स हाइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।